इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लिया करें ताकि जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो ये जो सामने वाला एसी है उसमें उसका सिर्फ पंखा चल रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है उस एसी में। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। ये देखिए, ये कंप्रेसर का तार जला हुआ था और ये है आपका लॉयड का एसी और हमने इसको बड़ी मुश्किल से खोला है। ये देखिए कैसे एसी पे बैठ के खोला है मैंने, और बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह काम करना। तो आप लोग पहले काम करने से पहले ये जो तार है इसको डिस्कनेक्ट कर लें, फिर उसके बाद इस तरीके से काम करें। देखते हैं कि ये कंप्रेसर का टर्मिनल जला हुआ था तो मैंने तीनों चेंज कर दिया। जैसे ये है रनिंग, ये है स्टार्टिंग और ये है कॉमन। कॉमन का तार बिल्कुल बुरी तरह जला हुआ था और मैंने ये दोनों चेंज कर दिया कि इसमें कार्बन वगैरह लगा हुआ था तो कहीं दोबारा जल्दी से जल ना जाए। तो ये देख सकते हैं, ये टर्मिनल बिल्कुल कार्बन लगा हुआ है पूरे पे। इसको सफाई करेंगे और हम इसका करेंगे वायरिंग, फिर आपको चला के दिखाएंगे। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा? ये वाला एसी जो है वो सही कर रहे थे और आप देख सकते हैं कहाँ पे बैठे हैं, एसी पे बैठ के और एसी का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत वाली जगह है ये और आप लोग देख सकते हैं इस तरफ है और तरीके से बारिश हो रही है। तो आप लोग को समझ में आ गया, जो कंप्रेसर का जो तार होता है, टर्मिनल का तार जो होता है वो जलने की वजह से भी कंप्रेसर नहीं चलता है। तो कंप्रेसर क्लास कंप्रेसर चल रहा है, उसमें पंखा चल रहा था और कंप्रेसर नहीं चल रहा था। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दिया करें। ओके।